नमस्कार। दुनिया पर दिखे जाने वाले डोगरी खबरें दे संग तुंदा स्वागत है। मैं अजूही मोहन ते शुरुआत है जेदी खास खास खबरें कन्ने। भारत पाकिस्तान बश्कार करतारपुर गलियारे बारे आज अटारी वागा बन्ने पर लगी दी बैठक समाप्त। नेका मुद्दे पर हुई चर्चा। भारत दे दुए चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लई उल्टी गिनती शुरू। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थमां कल बड़लै कीता जाग प्रक्षेपण। भगवती नगर थमां तकरीबन 8,000 यात्रुओं का जत्था अज बड़लै श्री अमरनाथ जी की यात्रा लई हुआ रवाना। उन खबरां तफसील कन्नै करतारपुर गलियारे कन्नै जुड़े दे मुद्दे पर विचार करने आस्ते अटारी वागा बन्ने पर अज भारत ते पाकिस्तान बश्कार लगी दी शिष्टमंडली गलबात संपन्न हुई गई। इस दौरान जिन्हें मुख्य मुद्दे पर चर्चा की गई उन्दे च जीरो पॉइंट पर संपर्क ते विशेष मौके पर श्रद्धालुएं दी गिनतरी दे मसले भी शामिल है। भारत ने इस बैठक च सुरक्षा पहलुएं कन्नै जुड़े दे मुद्दे भी पुट्टे। Pakistan should reconsider charging any kind of a fees or introducing any kind of a restrictive system, whether in the name of a special permit or any other name. We have requested that pilgrims should be allowed to visit throughout the year, as is the practice in all other holy sites, and 7 days a week. We have also requested that pilgrims should have the choice to visit as individuals or in a group. They should be allowed to visit on foot if they so wish. भारत के दुए चंद्र मिशन चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण की पुठी गिनती चला करती है। इसी कल बड़लै 2:51 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थमां प्रक्षेपित किया जाग GSLV मार्क 2 की अंतरिक्ष ले जाग। इस मिशन कन्नै चंद्रमा की सतह की बनावट पानी का होना ते भौगोलिक स्थिति के बारे जानकारी थोने की उम्मीद है। राजौरी जिले के दूरदराज इलाके के लोगों आस्ते प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बड़ी फायदेमंद साबित हुआ करती है। जिले के 63 ग्रां के लोगों बधी चढ़ी इस योजना कन्नै जुड़ा करते हैं। यह ग्रां राजौरी थमां 100 किलोमीटर के छिंडे पर है। इस इलाके च छड़ा इक्के सामुदायिक सेहत केंद्र है जिदे पर आले दुआले के इलाके की कोई 20,000 की आबादी इलाज मुआलजे ताई निर्भर है। इस स्कीम तहत 63 ग्रां के लोगों की 110 गोल्डन कार्ड तकसीम किए गए जिदे करी वह जम्मू के गौरमेंट मैडिकल कॉलेज के होरने अस्पतालों अपना इलाज करवाई आगे पीछे के त्रियाड के आगे जो सराउंडिंग एरियाज हैं लोग काफी गरीब हैं उनको यहाँ पे गोल्डन कार्ड का काफी फायदा हुआ है। हमने मतलब अभी भी हम जो है इस चीज को PMG से जो कर रहे हैं हम इसको अभी भी हम गोल्डन कार्ड जो रह चुके हैं उनको भी कर रहे हैं। पर हमने अप्रोक्सीमेटली मैं बताता हूँ आपको 110 से 120 तक हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी भी कोई मतलब हमारे जो नॉन में है जो हमें अपने फॉर्म दे रहा है अभी भी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैरीकल्चर विकास विभाग पासिया सैरीकल्चर परिसर उधमपुर च 12 जुलाई थमां रेशम दी खुपटियां दी बोली गीता मंडी दा सरिस्ता कीता गया है। इस सरिस्ता 6 अगस्त तक चलदा रहोग। इस मंडी च सैकड़े बदे महिला किसान हिस्सा लै करदियां। ध्यान योग है जे किसान अपने घरें च गए होर कम्मे दे कन्ने कन्ने रेशम दे कीड़े आली पाली अपनी आमदनी बधाई सकदे न। पर मैं आए हैं आज खोपड़ियों की तरीक है ये हम मम्मी डैडी सारे दादी सारे काम करते हैं मिलके और हम ये चाहते हैं कि ये काम अच्छे से चले और ये पैसे हमें बहुत मिलते हैं 30,000-40,000 मिलता है। ये पैसे हम बहुत सारी जगह में लगाते हैं। स्कूल भी पढ़ती हूँ मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। ये काम हम 11-20 साल हो गए करते हुए और मैं नहीं करती थी मगर मेरी दादी या मम्मी वगैरह करते थे सारे मगर मैं भी कोई 2-3 साल से करती हूँ। ये काम भी औरतों का है औरतें ही करती हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। गवर्नमेंट से यही है कि इनको सब्सिडी दिया जाए इनमें इंसेंटिव दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई नई स्कीम लागू करे ताकि इनका क्रॉप इंश्योरेंस भी हो जाए क्रॉप मतलब वो इंश्योरेंस हो जाए ताकि ये लोगों के जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाए।
तो जिला विकास कमिश्नर पुंछ राहुल यादव होरें पुंछ जिले की मंडी तहसील के फतेहपुर ग्रांच जनता दरबार लुआया जिदे च बड़ी मती गिनती च लोगों हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों इस मौके पर PMGSY RNP रोड शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग कन्ने संबंधित मुद्दे चुके। श्री राहुल होरें इन स्कीमें कन्ने जुड़े दे अधिकारियों गी लोगों के मसले हल करने ताई हुक्म जारी किए। उन्हें लोगों की केंद्र सरकार पास चलाई जा रही स्कीमें की भी जानकारी दी। पीएम किसान के जो भी लोग रह गए हैं उनको हमने सबको 31 जुलाई तक सबका एनरोलमेंट कर देना है। तो उसमें आपके यहाँ भी कैंप लगे होंगे, जो बचे हैं उसको भी हम सबको एनरोल कर रहे हैं। पहले एक कंडीशन भी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कंडीशन डाल दी, पहले ये थी कि जिसके 2 हेक्टेयर से ज्यादा से कम जमीन होगी केवल उसके लिए था। अभी ये स्कीम सभी किसानों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पुंछ जिले के मंडी कस्बे च पुजी गया। इत्थे एक कार्यक्रम MLC प्रदीप शर्मा हुंदी अगुवाई च चलाया गया जिदे च दुए दलें दे दर्जने कार्यकर्ताएं पार्टी का दामन थमिया। इस मौके पर बोलदे हुए प्रदीप शर्मा होरें आखिया जे भारतीय जनता पार्टी हर 3 सालें बाद सदस्यता मुहिम चलांदी है ते मेहनती कार्यकर्ताएं गी मंडल जिला रियासती ते राष्ट्रीय स्तर दी जिम्मेदारियां दित्तियां जांदियां। और जो है आप देखते हो 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आम इंसान जो है वो हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है। हम में से कल कोई भी स्टेट का प्रेसिडेंट बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बन सकता है, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, कल कोई MLA बन सकता है, कल को प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि ये किसी की जद्दी जायदाद जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है। हम सब यही जो ड्राइव के बाद जितना ज्यादा वो काम करेगा, जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, हर आदमी को आगे बढ़ने का ये जो मौका है। डोडा जिले थमा 177 हज यात्रियों का पहला जत्था आज जिला मुख्यालय थमा जम्मू तई रवाना हुआ। ध्यान जोग है जो प्रशासन ने इस बरे इन यात्रियों की ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जिदे कारण यात्रियों राज्य सरकार खिलाफ रौ गुस्सा। जम्मू तई रवाना होने थमा पहले डोडा के बस अड्डे पर टकोदा करिए रियासता च शांति बहाली आस्तै यात्रियों ते होरने लोकें विशेष दुआ की। हज का सफ़र बहुत अच्छा सफ़र और बहुत कठिन सफ़र भी है, लेकिन इतनी दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको भी हम सबको भी वहाँ की ज़ियारत नसीब करे, हज बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब करे, रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब करे, वहाँ की हाज़री नसीब करे, वहाँ का बुलावा सबको आ जाए। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता करे। तुआई जम्मू के भगती नगर आधार कैंप थमां 7993 यात्रियों का जत्था अज श्री अमरनाथ जी की यात्रा लिए दखनी कश्मीर बखी रवाना हुआ। इस जत्थे च 6080 मर्द, 1590 जनानिया, 39 बच्चे, 270 साधु ते 14 साधवियां शामिल न। तुआई श्री अमरनाथ जी स्थापन बोर्ड मुजब कल यात्रा के 13वें रोज 16900 यात्रियों पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। 1 जुलाई थमां आरंभ हुई इस यात्रा च अजें तोड़ी कुल 1,74,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा च दर्शन करी चुके दिन। यह यात्रा 15 अगस्त की सौनी पुन्या ते रखड़ी आले रोज संपन्न होगी। रियासता च वार्षिक अमरनाथ यात्रा जारी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिर्फ यात्रुएं की सुरक्षा इंतजामें की नहीं दिखा करता पर RFID ट्रैकिंग सेफ्टी सिस्टम कन्नै सुरक्षा की और पुख्ता भी करा करता है। ट्रैकिंग सेफ्टी सिस्टम की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने यात्रुएं की गड्डियों पर भी फिट किए। अमरनाथ यात्रुएं का गलाना है जे रियासती प्रशासन ने इस बारी सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम किए। लोग नवी मुंबई से आए हैं, हमारा पूरा जत्था है, हम लोग 30 मेंबर्स का जत्था है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ जा रहे हैं। और जो CRPF ने जो सुरक्षा के हिसाब से और जो नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, जो GPRS सिस्टम, टैग सिस्टम किया है हर एक गाड़ी पे, तो वो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है CRPF का और इंडिया गवर्नमेंट का। और इससे ये जरूर महसूस होता है कि हम लोग कितना सुरक्षित है। इस चाली हजार अबदे श्रद्धालु अज सन्नासर थमां उपर शंखपाल नाग देवता दी श्राइन पर दर्शन कीते पुजे। पुराने समय थमां हर साल श्रद्धालु जिला उधमपुर दे पंचैरी ते लांदर, रामबन दे पाटनी ते परनोत थमां इत्थे किट्ठे हुंदे न। पुरानी परंपरा मुताबक पंते पूजा कीती ते प्रसाद वंडिया। इस मौके पर प्रशासन पासा सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम कीते गए हे।
यहाँ इस मेले में 10,000 से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ दर्शन करते हैं, अपने मुरादें पाते हैं। और यहाँ सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो ये काफी डेवलप्ड हो सकती है, और ये बहुत ही हजारों साल पुरानी हमारी एक हिस्टोरिकल यात्रा है। कठुआ जिले के पीएचई विभाग के डेली वेजर से सीपी वर्कर अपनी मंगे की मनवाने की तय हड़ताल पर पंजे भरें थमा तनखा नहीं मिलने ते उन्हें की पक्का नहीं किए जाने के मुद्दे की लेकर किश डेली वेजर पंजे दिन थमा भुख हड़ताल पर भी हैं। संगठन के जिला प्रधान शिव नारायण सिंह होरें रियासती सरकार पासिया पीएचई डेली वेजरें कन्नै सुतेला व्यवहार करने की नुक्ताचीनी की आखिया जे भुख हड़ताल उनकी मंगे के पूरा होने तक जारी रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को ये अपील करता हूं कि वक्त रहते इस मसले का हल कीजिए, अन्यथा हम इस उग्र प्रदर्शन को और तेज करेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल च आज इंग्लैंड ते न्यूजीलैंड बिशकार मैच चलारदा है। ए इंग्लैंड गिते चौथा ते न्यूजीलैंड गिते दुआ विश्व कप फाइनल है। अजे तोड़ी इन्हें दोनों टीमें अजे तक कदे भी विश्व कप फाइनल नहीं जीते दा है। इदे थमां पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीती है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ते मौसम विभाग की सूचना मुजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू च बदोबद तापमान 32.8 डिग्री सैलसीयस ते घट्टो घट 26.6 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। ते आखिर च इक बारी परती अज्ज दियां खास खास खबरां। भारत पाकिस्तान बिशकार करतारपुर गलियारे बारे अज अटारी वाघा बार्डर पर लगी दी बैठक समाप्त, नेका मुद्दे पर हुई चर्चा। भारत के दुए चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 लई उल्टी गिनतरी शुरू, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थमां कल बड़ले कीता जाग प्रक्षेपण। भगवती नगर थमां तकरीबन 8,000 श्रद्धालुओं का जत्था आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। इस डोगरी खबरें का बुलेटिन खत्म हुआ, इजाजत दो, नमस्कार।